तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका डे 27 में, आई गेस 27 ही होगा ये। और आज की वीडियो बहुत लेट शुरू हुई है, ऑलमोस्ट रात के 9 बज चुके हैं। मैं उसका रीज़न देता हूँ आपको, देखो बेयर विद मी। सबसे पहले मैं सुबह उठा जो कि अराउंड 9 बजे थे, उसके बाद मैं उठते ही अपनी वीडियो एडिटिंग करने बैठा, फिर उसके बाद मेरे को डीप टिशू मसाज करवानी थी क्योंकि मेरे कल बैक में पेन हो रहा था। तो डीप टिशू मसाज वाले भैया आए, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दोपहर में कर पाऊंगा, तो मैंने कहा कोई नहीं भैया आप आगे मसाज करो मेरी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मसल स्प्रेन आ रखा है, मेरी बॉडी अनइवन लोड उठा रही है, बहुत चीज़ें बताई जिसमें मुझे काम करना है। 2 घंटे उसमें लगे, अराउंड 12:30 बजे तक मैं फ्री हुआ, मैंने अपनी एडिटिंग शुरू करी, लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद मैंने अपनी मील खाई, मील खाने के बाद मैं नहा के तैयार हुआ। मैं कहा यार लाइट जब तक नहीं आ रही तब तक मैं कैमरे का लेंस लेके आता वो ले आता हूँ। जैसे मैं तैयार हुआ वैसी लाइट आ गई, फिर मैं एडिटिंग करने फिर से बैठा, फिर मैंने शाम को 7 बजे तक रील और यूट्यूब वीडियो दोनों एडिट करके पोस्ट करी। फिर उसके बाद पोस्ट करने के बाद 8 बज गए थे अराउंड, फिर मैंने सोचा यार अब तो जा नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने अपने ओट्स खाए जो मेरी प्री वर्कआउट मील होती है। अब बज रहे हैं रात के 9, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड करने का। और अभी मैं खा रहा हूँ अपनी जो 3rd मील, जो मैं वर्कआउट के बाद खाता हूँ, मैं पहली खा रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया। तो फटाफट मैं इसे राइस, एग्स, चिकन जो भी मेरी होती है मील, इसे खा लूँगा, ये मेरी प्री वर्कआउट डाइट हो जाएगी। अब जो भैया थे जिन्होंने मेरी डीप टिश्यू मसाज करी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आज का रेस्ट लेना, लेकिन हम रेस्ट नहीं लेते, हम जाएंगे थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज करेंगे और जिम में जाके मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या प्रिकॉशंस ले रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी जो लोअर बैक पे मसल स्प्रेन है वो और ज़्यादा ट्रिगर ना हो, और वो हुआ कैसे उसका भी रीज़न आपको बता दूंगा जिम में जाके। अभी सबसे पहले मैं अपनी मील फिनिश करूंगा, और मील फिनिश करने के बाद मुझे कल संडे का इतना ज़्यादा वेट है मैं आपको बता नहीं सकता। कल दावत होगी, कल की वीडियो में आपको दिखेगी रेसिपी टेस्टी फूड की 2200 कैलोरीज के अंदर, जिसमें मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। कल का वेट कर रहा हूँ मैं बस, फटाफट आज का दिन खत्म हुए, पर ये आज की वीडियो तो अभी शुरू हुई। आप बोल रहे हो फटाफट वीडियो खत्म करने में लगा हुआ है तो कैसा बंदा है। तो भाई देखो थोड़ा एडजस्ट करो, अभी मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है, क्या कहते हैं, सब कुछ मिक्स हो रखा है। अभी मैंने इंट्रो कर दिया है, अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या। हाँ स्टेप्स करने हैं आज स्टेप्स करने हैं क्योंकि कल मैं स्टेप्स नहीं कर पाया था पेन के वजह से, पर आज करने ही करने हैं। तो आज स्टेप्स देखना मैं कैसे करूँगा, आज तो कुछ हो जाए करने ही करने स्टेप्स है। ठीक है ये खा लूँ एक बार फटाफट, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस हम जिम में पहुँच चुके हैं, जो हमारा नॉर्मल जिम था वो बंद हो गया था जब तक हम पहुँचे, तो मैंने टाइम फिटनेस में आ गया हूँ। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा नहीं क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने से मना करा है, क्योंकि जो बैक की डीप टिश्यू मसाज हुई है उससे अच्छी खासी मसल ऑलरेडी डैमेज होती है, प्लस मैं बाइक से आया हूँ तो मेरी बैक थोड़ी बहुत पंप हो गई फिर से, कैब बुक ही नहीं हो रही थी तो दिक्कत हो गई थी। बैक में मैं 3 एक्सरसाइज करूँगा बस, वो 3 एक्सरसाइज तीनों ऐसी होगी जिसके अंदर मेरे को अपना कोर यूज़ ना करना पड़े ताकि मेरी लोअर बैक पे लोड ना आए, वो एक्सरसाइज आप देख लेना। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत पोजिंग करूँगा और देखूँगा कि बैक की मसल ज़्यादा स्टिफ तो नहीं है या फिर क्या नहीं है, ओके फील हो रहा है नहीं हो रहा। होपफुली इस वर्कआउट में अच्छा फील होगा, मंडे तक हम फुल रिकवर कर लेंगे और ट्यूसडे को हम फिर से डेडलिफ्ट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे बोला गया है कि ट्यूसडे को डेडलिफ्ट करके देखना है कि पेन अब हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ट्यूसडे को भी आपको डेडलिफ्ट देखने की मिलेगी, होपफुली हैवी अगर पेन नहीं हुआ तो। अभी का वर्कआउट हम फटाफट शुरू करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है एक्सरसाइज करने के लिए, तो फटाफट शुरू करते हैं।